ये आपको, था, हाँ। था, हाँ। ये आपको पुम था, पुम था ये चाहिए आपको ये चीज हाँ मेरे पास सी पी यू था उसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ था <laughs> वो लेके मैं अलग अलग स्टूडियोज में घूमता था सीरियसली हाँ वो पूरा ले जाते थे आप यूनिट हाँ, हाँ पूरा हाँ, यूनिट ले जाके वो लगाता था और काम करता था तो, तो मेरी काबिलियत के हिसाब से और जिस तरह का मेरा नेचर है वर्क करने का अभी मुझे थर्टी परसेंट सक्सेस भी नहीं मिला क्योंकि तुझे ऐश करा दू दुनिया से छुपा दूँ छुपा दू दुनिया फर्जी से तो मुझे पलकों पे सजा के रखूंगा पर छपूँगा अपनी मर्जी से ओके okay, भाजी तो ऐसा है कि सबसे पहले तो वी आर एट हनी पाची स्टूडियो इट्स वन ओ क्लाक इन द नाइट मेरे ऑफिस वालों ने मुझे ये क्वेश्चन दिए थे <laughs> तो मैंने बोला हाँ कि ठीक है तो ये क्वेश्चन अपन थोड़े से <laughs> तो मतलब नहीं इन सब क्वेश्चन का ऑफिस वाले तो बोलते रहेंगे ये पूछो वो पूछो यहाँ रख देता हूँ बाद में डस्टबिन में डाल देंगे ओके <laughs> okay, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ आपसे रात को एक बजे आए हुए हैं हम लोग रात की वाइब क्या है मेरे को तकरीबन पंद्रह से सोलह साल हो गए रात को काम करते हुए चक्कर क्या है कि शुरू में मेरे फादर मना करते थे म्यूज़िक करने को तो जब वो घर में आते थे तो मैं घर से निकल जाता था आठ साढ़े आठ बजे और जब वो घर से निकलते थे सुबह सात बजे तो मैं घर में घुसता रहा दिन भर सोता था तो तब मजबूरी थी उसके बाद आदत पड़ गई फिर मेरे को कहीं से सुनने में आया कि रहमान सर भी रात को काम करते हैं सो आई एम लाइक हिज बिगेस्ट फॉलोवर एवर और थोड़ा वो वो भी टच आ जाता ना अच्छा रहमान सर रात को काम करते हैं मैं भी रात को करूँगा और रात की वाइफ ये है कि रात को कोई फोन नहीं करता कोई गाड़ियाँ नहीं है लोग नहीं है और सूरज नहीं है सर पे क्योंकि सूरज में घमंड है और वो जब आता है तो टेक ओवर कर लेता है हर चीज़ को ओके okay. और वो कहता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ गुस्सा है उसमें चांद से लगा हुआ है हमारा <laughs> चांद कूल है ठंडा है प्यार करता है बातें अच्छी आती हैं

नहीं, नहीं वो तो बहुत कमाल रू हैं भाई वो बहुत ही मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे जब लुंगी डांस हिट हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ वर्ल्ड टूर कर तो तकरीबन डेढ़ साल मैंने उनके साथ वर्ल्ड टूर किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिंगापुर मलेशिया हांगकॉन्ग थाईलैंड अमेरिका एवरीवेयर तो शोज़ के बाद उनका मेरा कनेक्शन पहले दिन ही हो गया था जब उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस के लिए कुछ बना तो तब हमारा कनेक्शन बहुत दिल्ली वाला हो गया था तो फिर उन्होंने मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी कि तेरा दिल्ली में वक्त कैसे निकलता है क्या करता है तू तो मुझे यहाँ बॉम्बे में कहीं दिखता ही नहीं है <laughs> तो क्या करता है तो फिर फिर तब से कनेक्शन मेरा उनसे दो साल ढाई साल दिन रात का रहा वो वो बहुत अलग इंसान है उन्होंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में और खुद किया है सब कुछ सारा एम्पायर खुद खड़ा किया तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए स्पेशली दिल्ली एक लोअर मिडल क्लास से वो इंसान आज रूल कर रहा है नॉट इवन बॉलीवुड एशियन रिप्रेजेंट एशियन सिनेमा मेरा ये मानना है और मेरे को किसी ने बोला था कि ना हर आर्टिस्ट का ना एक रीसेट आता है।, भी आर्टिस्ट है उनका एक टाइम आता है, जब वो मारते है किसी भी वे में एम एन एम टू थाउजेंड फाइव अगर बात करी जाए इंटरनेशनली तो दो हजार नौ में रिलैक्स एल्बम वापसी hmm. आपका भी कुछ सीन ऐसे तो मैंने खुद तो ब्रेक लिया नहीं लेकिन कुदरत ने ब्रेक दिलवाया सब कुछ दौड़ भाग बहुत अच्छी चल रही थी कामयाबी सब मिल रही थी मैं थोड़ा वर्कोलिक था एल्कोहलिक था स्मोकअप करता था तो उस चक्कर में मुझे हो गया था बायपोलर डिसऑर्डर तो वो बीमारी बहुत ख़तरनाक है जिसको ठीक होने में पाँच छः साल लगे और बीमारी थोड़ी सी ठीक होगी थी तो मैंने कम करने की कोशिश करी दो में सोलह में एक गाना बनाया था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना बट आई नॉट टू शूट इट सो वो ऋतिक रोशन और सोनम कपूर पे शूट हुआ hmm. कामयाब hmm. हुआ सत्रह में मैंने मूवी के लिए गाना बनाया था दिल चोरी साडा हो गया रीमेक किया था कार्तिक आर्यन hmm. आनंद हुआ था छोटे छोटे hmm. पैग मार उसी फिल्म में गाना था hmm. वो भी कामयाब हुआ मेरे को कुछ खास नहीं लगा दो हजार अठारह में कहा मैंने कि चलो मैं वापस आता हूँ लेकिन मैं एक सौ दो किलो का था तो मैंने गाना क्यूबा में जाके शूट किया इंटरनेशनली गाने का नाम था मखना hmm. वो भी चल गया फिर 2019-20 में आई थिंक मैंने किया सैया जी वो भी चल गया लेकिन मेरे को लगा नहीं कि मेरी कम हुई है तो अभी नाव आई एम प्रपेयर्ड और मैंने पुराने लुक के ऊपर काम किया और वजन कम किया मेरी दवाइयाँ कम हुई hmm. और हेल्थ मेंटल हेल्थ सही हो गई है एकदम काम कर रहा हूँ हंस रहा हूँ खेल रहा हूँ घूम रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो अब सब बढ़िया चल रहा है होपफुली इस साल कम जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रॉपर कम क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ मेरे को कामयाबी के लिए किसी बड़े स्टार की ज़रूरत नहीं है उसके फेस की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी आवाज़ दूं और वो नाचे और मेरा गाना हिट हो मुझे शुरू से अक्षय पाजी शाहरुख खान भाई अमिताभ बच्चन सर ने मौका दिया साथ में खड़े होने का तो तब से मुझे यही लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ मैं अपनी आवाज़ अपनी शक्ल पे अपनी परफॉर्मेंस पर गाने को बड़ा करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है इस साल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे ही सारा जोर है बॉलीवुड में दो गाने कर रहा हूँ अभी फ़रवरी में आने वाला है अक्षय भाजी के साथ hmm. मार्च में आने वाला है सलमान भाई के साथ तो दोनों nice. में फीचरिंग है मेरी वेरी नाइस इंस्पिरेशंस की बात करते हैं hmm. आप काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो आपके लिए यानी कि एंड नॉट द रैपर्स अवर्ड एवर एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बिकॉज आपका म्यूजिक तोड़फाड़ है ये hmm. तो मुझे वाले बचपन से सुन रहे हैं ठीक है ना तो

मैंने गाना शुरू किया डोप शोप और ब्राउन रंग में आ, सोलो सॉन्ग था फिर दुकान चल गई फिर मैंने खुद गाना ही शुरू कर दिया और इंस्परेश तो मेरा फर्स्ट लव म्यूजिक प्रोडक्शन है तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन म्यूज़िक में तीन लोग हैं सबसे पहले हैं रहमान सर जिनको मैंने जब मैं दस साल का था प्रॉब्ली आठ नौ दस साल का था तब सुना था मेरे गुरु ने मुझे सुनाया उनकी एल्बम रोज़ा तामिल में थी पंजाबी लड़का तामिल गाना सुन रहा था मैंने पूरी याद करी फिर उसके बाद मैंने एम टी वी तब घर वाले लगाने नहीं देते थे लेकिन मैं जब कोई भी नहीं होता रहा घर पर मैं ट्यून करके एम टी वी देखता था तो मैंने पहली बार गाना सुना एन एल्बम oh, yes, तो मैंने कहा यार ये क्या म्यूजिक है hmm. फिर उसके बाद जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ दो हजार पाँच छः में छः में तो तब मैंने डिस्कवर किया अमर सिंह चमकीला जी को उनकी हाँ. राइटिंग स्टाइल उनकी सिंगिंग स्टाइल तो ये तीन लोग मेरी लाइफ में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और सोफा जी ऐसे मैं तो कई काफ़ी चीज़ें यहाँ आके ना आपसे लेके जाऊँगा मुझे ही मालूम है क्या होंगी और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों से चीज़ें चुरा लूँ जो उनमें अच्छी हैं आप जब रहमान साहब से मिले या फिर शाहरुख साहब से मिले कुछ ऐसा लगा यार ये चीज़ तो किलर है ये तो मुझे ले जानी है शाहरुख वैसे जब मिले तो आ, ऐसा कुछ नहीं था बहुत आ, ब्रदर कनेक्शन बन गया था और okay. मुझे लगा कि ये ज्ञानी आदमी है सब दुनिया देखी हुई है और उन्होंने मुझ मुझमें देखा कि ये ओवर एम्बिशियस बच्चा है जैसे मैं था जब मैं बॉम्बे में आया उन्होंने ये बात okay. कही भी ओके okay. और फिर उसके बाद जब हमारा रिलेशन बन गया आफ्टर लुंगी डांस की सक्सेस के बाद जब हमारी अच्छी से कनेक्शन हो गया एक तो उसके बाद दो साल जब मैंने उनके साथ इंडिया वर्ल्ड टूर किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया कि बेटा ज़िंदगी में ये मत करना ये करना ऐसे करना ये करना तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत मुझे आ, सपोर्ट करी और फ़ायदा दिया बाकी जहाँ तक रहमान सर का सवाल है मैं अभी आइफा में पहली बार मैं उनसे मिला था 2013 में दुबई एयरपोर्ट पे वो बड़ी अच्छी कहानी थी तो उसके बाद दूसरी बार अभी मैं आइफा पे था तो मेरे को परफॉर्मेंस के लिए बोला गया मैं परफॉर्मेंस जब गया स्टेज पे तो मैंने देखा रहमान सर फ्रंट सीट पे बैठे मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या परफॉर्म हूँ मैं जाके सीधा मत्था टेका उनको फिर उन्होंने बहुत प्यार किया फिर उनकी बिटिया का निकाह था तो उन्होंने दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद ही था तो फिर उन्होंने मुझे चेन्नई बुलाया कि तुम आओ शादी पे तो तब मुझे लगा कि जिनको मैं अपनी फैमिली का मेम्बर मानता था अपना गुरु मानता था अपना सब कुछ मानता था उनको आज ये लगा कि इस बच्चे को मैं अपना फैमिली पार्ट बनाऊं hmm. और इसको अपने घर के बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन में बोलूँ hmm. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था लाइफ का भाई जी आ, बात हो गई इंस्पिरेशंस की बीइंग हनी सिंह मेरे को जो लगता है ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी टफ एंड डजेंट मैटर आप यू नो यूर इन दी लाइम और नॉट योर हनी सिंह इवन वेन योर आपका जब समय थोड़ा डाउन चल रहा होता है उस वक्त भी आप हनी सिंह हो क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोलह या सत्रह साल का बच्चा बैठा हुआ है mm -hmm. जो हनी सिंह के गाने सुनता है हाउ डू यू हैंडल दिस मैं प्रेशर फील ही नहीं करता हूँ किसी चीज़ का मैं किसी चीज़ को इतनी अहमियत ही नहीं देता हूँ जिंदगी में कि वो मेरे लिए प्रेशर बने अगर मैंने जब पंजाब में था मेरे पास तकरीबन आठ से नौ एल्बम्स होती थी जो मुझे एक साल में जिनका सबका म्यूजिक करना होता था ओके आई 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 नेवर टू टू गिव द एफ से टेक टाइम आई वो प्रजेंट एंड मेक the best of mine. If it's taking two weeks, I'll make it in two weeks. If it's hmm. taking six months, you have to wait for it. So don't pressure me. तो मैंने आज तक किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया जिंदगी में कामयाबी का थोड़ा बहुत जब जितना अभी जितना भी मैं कामयाब हुआ हूँ लोगों को लगता है कि बहुत कामयाब हो गया हर बंदा ये बात करता है मेरे से इंटरव्यू में इस चीज़ को सवाल करता है जितना मैं अपने आप को जानता हूँ उतना मेरे को कोई नहीं जानता जितना मैं अपनी काबिलियत को जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता तो मेरी काबिलियत के हिसाब से और जिस तरह का मेरा नेचर है हार्ड वर्क करने का अभी मुझे थर्टी परसेंट सक्सेस भी नहीं मिला है। hmm. अभी मुझे सत्तर परसेंट मिलना है आमीन टू दैट वन डूट आमीन तो प्रेशर किसी चीज़ का नहीं रखा कभी भी लाइफ में और अगर कुछ मुकाम पा लिया तो मैं जैसा हूँ मैं ज़िंदगी अपनी वैसे जीता हूँ अगर आप मुझे दिल्ली के किसी स्ट्रीट फूड की दुकान पर ले जाओगे मैं तब भी वैसा हूँ अगर आप मुझे कैलिफोर्निया के किसी महंगे से रेस्टोरेंट में ले जाओगे मैं तब भी वैसा हूँ अगर मैं शाहरुख भाई के साथ हूँ मैं तब भी वैसा हूँ अगर मैं मेरे रोहित भाई के साथ हूँ मैं तब भी वैसा हूँ वेरी नाइस आई लव इट एक्चुअली अगेन छोटा बू बड़ी बात अभी मैं जयपुर लिटरेचर फेस्ट में ना गुलजार साहब को देख कर आया था oh. तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था फिर मुझे मालूम चला कि गुलजार साहब गुलजार साहब क्यों उन्होंने अपनी hmm. एक नज़्म, थोड़ी सी रिसाइट कर दी थी तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इंस्पिरेशन उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो इसलिए अंग्रेजी म्यूजिक नहीं सुनता हूँ क्योंकि अंग्रेजी म्यूजिक में 2010 के बाद कुछ खास बनना नहीं शुरू हुआ ट्रैप म्यूजिक आ गया ट्रैप इज सो इजी टू प्रोड्यूस सो अंग्रेजी लिरिक्स मुझे समझ में नहीं आते हैं उनका कल कल्चर अलग है वो मैं सुनता नहीं हूँ तो मैं डच म्यूज़िक म्यूज़िकरबिक म्यूज़िक और बहुत सारा अलग रोमानियन म्यूज़िक उनका फोक रोमानियन फोक और अल्जीरियन म्यूज़िक वो अरबिक में काउंट होता है लेकिन है। उनके जॉनर्स बहुत अलग हैं इजिप्शियन म्यूज़िक लेबनीज म्यूजिक तो उस चीज़ों को ज़्यादा सुनता हूँ सबसे ज़्यादा कलाकार की ये कोशिश होती है मेरी स्पेशली अपने आप को लेके कि मैं चौबीस घंटे खुश रहूँ अगर मैं खुश रहूँगा तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और मैं वर्ल्ड घूमा हूँ भाई लेकिन मैं अगर दुबई गया हूँ तो कितने सालों से दुबई जा रहा हूँ मैं 2008 आ, से दुबई को रिप्रेजेंट मैंने किया 2012 में ब्राउन रंग शूट किया जब आ, मैं आज तक बुर्ज खलीफा पर नहीं चढ़ा अच्छा तो ऐसे मैं मतलब पूरा वर्ल्ड घूमा अमेरिका लंदन जहाँ गया बात करें लेकिन मैं कोई भी ऐसी जगह पर नहीं गया जो वहाँ की मशहूर है मैंने वक्त बिताया वहाँ के लोगों के साथ वहाँ के कल्चर्स के साथ वहाँ के स्लैंग्स के साथ वहाँ के वैबलरी के साथ सो हाँ। दैट so मैं इनको रीड करूँ और फिर लिखूँ तो ये ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़रूरी है लिरिक्स राइटर के लिए जहाँ तक तो गुलजार साहब का सवाल है वो बहुत बड़ी इंस्परेशन है हम लोगों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं उनको बहुत डिटेल में सुनते हैं अब मैं परसों ही सुन रहा था गुलजार साहब का तो मैं एक शायर की बात बताना चाहता हूँ आपको कि शायर का जो किरदार है ना वो चाहे चालीस साल भी बीत जाए वो सेम रहता है ये मैंने होमी को बताया उस दिन ओके okay. तो होमी और मैं गाड़ी में गाना सुन रहे तो गुलजार साहब का गाना लिखा हुआ उन्नीस सौ अस्सी में आया था हिजाल मस्ती oh, बहाल हिजरा बेचारा दिल है हाँ. तो उसमें अंतरे में कहते हैं हमारे दिल से उठा हुआ धुआं तुम्हारे दिल से गुजर रहा है ऐसा कुछ गुलजार हाँ, साहब हाँ, ने लिखा हाँ, हाँ. मैंने कहा यही शायर है जिसने ये लिखा और यही शायर ने तीस साल बाद लिखा बीडे जिगर से पिया जिगर जिगरमा बड़ी आ गए तो उस शायर का थॉट वही है कि मेरे जिगर में अंगार है

Uh, मुझे नहीं लगता कि बहुत कामयाब इंसान है लिरिक्स के बारे में बात करते पनखुड़ी गाना आया ठीक है उसमें शायरी वायरी हो गई है लास्ट में आने क्या हो रहा है ये सब ऐसी शायरी वैसी लिख रहे थे तो वो तो कुछ बातें आई तो वो बातें अगर रैप में लेके जाते तो उसका वज़न कम हो रहा था ओके okay. बात का कि तुझे ऐश करा दूँ दुनिया से छुपा दूँ छुपा दूँ दुनिया फर्जी से तुझे पलकों पर सजा के रखूँगा पर छपूँगा अपनी मर्जी से तो जो चाहिए ठीक है बढ़िया है सब मिलेगा प्यार जितना चाहोगे मिलेगा लेकिन कुछ कंडीशन हमारी रहेंगी इस बारी वीडियो पे मैं ना कमेंट्स देख रहा था यो यो इज बैक <laughs> और मैं एक्चुअली आपको बताऊँ आई हैड अ फीलिंग जब मैंने वो गाना सुना सुनाई यार लाइक like, उस पर ना ये ब्राउन रंग वाला कुछ यानी कुछ फीलिंग्स तो हैं वो तो ऐसे ही मजे में गाना बनाया मेरी एल्बम हाँ। आ रही है थ्री पॉइंट हो मार्च अप्रैल में आएगी अभी डेट डिसाइड नहीं हुई तो उससे पहले ये छोटे मोटे गाने हम लोग निकाल रहे हैं कि एक वार्म अप हो क्योंकि अगर Achha. आपको <coughs> बटर चिकन खिलाना है तो उससे पहले चिकन टिक्का ये सब खिलाना ज़रूरी है <laughs> क्योंकि एकदम से बटर चिकन खिलाएंगे तो आपको के पेट ख़राब हो जाएगा और बहुत हैवी हो जाएगा तो एक छोटे से ये सब वार्म अप है ये कुछ खास गाने नहीं है ये कोई इतने तगड़े गाने नहीं है इन पर कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं हुए पंखुड़ी का तो वीडियो भी हमने सिंपल सा छोटा सा दिल्ली की सड़कों पर बनाया तो दे आर नॉट लाइक बट हनी थ्री पॉइंट इज अ मेगा प्रोजेक्ट आफ्टर नाइन ईयर्स आई एम मेकिंग मा एल्बम आफ्टर देसी कलाकार या तो द साउंड इज़ डिफरेंट बातें अलग हैं कुछ पुराना स्टाइल है कुछ नया स्टाइल है नए तरह की सिंगिंग करने की कोशिश करी है नए तरह okay. की राइटिंग पूरी एल्बम मैंने खुद लिखी है और खुद कंपोज की है म्यूजिक बेस योगी का और होमी दिल्ली वाला का है अच्छा okay. मैंने इस बार प्रोड्यूस नहीं किया एल्बम मैंने म्यूजिक नहीं बनाया कोई इसके पीछे फिलोसफी हाँ उसके वारे? पीछे ये था कि जब मैं बीच प्रोड्यूस करता हूँ जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ तो मुझे तकरीबन एक घंटे में मैं अच्छी सी बीट बना लेता हूँ लेकिन मेरे दिमाग से लिरिकल थॉट निकल जाता है कि मैंने सारा लिखना क्या था इस पर अच्छा तो ये मेरे स्टूडियो में छोटा सा कॉर्नर है इसमें मैं जाके कोने में लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ तो वह लोग बीटे चलाते हैं मैं कहा यार तुम लोग जस्ट बीटे चलाओ मैंने अब लिखना है तो सितंबर में मैंने एल्बम शुरू करी और सितंबर में एल्बम खत्म करी तीस गाने बनाए उसमें से दस सेलेक्ट करे हमने फिर अक्टूबर में मैंने कहा अगर पेस चल रहा है एल्बम कम्प्लीट हो गया बट लेट द पेस गो इफ आई एम इन द मोड ऑफ राइटिंग समथिंग न्यू एंड एवरी इज न्यू सो लेट्स कीप राइटिंग विल सी ए किसको देने हैं किसको नहीं देने एल्बम में डालने नहीं उसके बाद चौदह अठारह गाने और बनाए मैंने

सब लोग देसी कलाकार सुन रहे थे मैंने दिस सॉन्ग केम ना हम लोग इसी को रिपीट पे लगा के बार बार सुन रहे थे सो नेक्स्ट एल्बम जो है हाँ, आपने बाकी तो बहुत सारी चीज़ें बोल दी मेरी हाँ, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ठीक है हाँ, मैं तो भूखा बैठा हूँ यानी क्या होने वाला है ताबड़तोड़ तोड़ कुछ क्या नहीं मेरी कोशिश है विजुअल्स पे काम कर रहे हैं हम okay. क्योंकि मेरे हमेशा से विजुअल्स इंटरनेशनल रहे हैं बट कोविड के चक्कर में मैंने सयाहाँ जी और एक दो चीज़ें हिंदुस्तान में शूट करी तो बहुत अच्छी थी लेकिन मेरे विजुअल्स मेरा थॉट यही रहता है कि विजुअल मैं दिखाऊं कुछ इंटरनेशनल लेकिन बाद रोटी भिंडी की ही करूँ huh. तो हमने कैलिफोर्निया हॉलीवुड में शूट किया था हॉलीवुड का क्रू था देसी कलाकार huh. और उसके रैप में मैं कह रहा था कि मेरे लिए पैक कर रोटी ते भिंडी सो इट्स इट्स माई थॉट एंड आई एम वेरी देसी एंड एट द सेम पॉइंट वेरी इंटरनेशनल मतलब अब इसी से देख लो कि या तो मैं लेबनीज खाना पसंद करता हूँ या मैं राजमा चावल yeah. और मैं दोनों एक साथ भी खा सकता हूँ तो ये मेरा किरदार है मैं हूँ भी इसी तरह का और वही मेरे म्यूज़िक में झलकता है और हनी थ्री पॉइंटों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साउंड कुछ और कह रही है और विजुअल कुछ और है जो सबके लिए नया होगा यार ये क्या कर रहा है जब मैं गायब हुआ तो जो मैं कर रहा था काफी आर्टिस्टों ने वो किया hmm. शोरत मिली उनको दौलत मिली hmm. hmm. लेकिन मैं ही अगर वो चीज़ करने लग जाऊंगा हनी सिंह अभी तक वही फंसा हुआ है hmm. ये कुछ नया नहीं, नहीं कर पा रहा। hmm. तो अब कोशिश है में कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग हाँ, really uh, लुकिंग काफी लोग पूछते हैं सारी आपकी नहीं यारों दोस्तों की है मेरे पास तकरीबन 2012-13-14 में काफ़ी गाड़ियाँ थी ओके okay. उसके बाद मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर से मना किया कि ये गलती से ये स्पेशली ये सारी स्पोर्ट्स कार ना चलाए hmm. फिर मैंने वो सब बेच दी उसके बाद सात साल आठ साल अभी तक मैंने ड्राइविंग नहीं करी उसके अच्छा मैं ड्राइव नहीं करी तो अब ड्राइविंग का शौक़ भी खत्म हो गया वो पी, वो पेस वो स्पीड बहुत पसंद थी वो थ्रिल बहुत पसंद था ये आपके गुड़गांव हाईवे पे और ये नोएडा हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे तब इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था हम लोग बहुत रेस लगाते थे यहाँ पे अच्छा हाँ दारू पी के रेस लगाते थे <laughs> तो ये सब उल्टे सीधे काम करते थे बट वो अब उम्र निकल गई और हाँ। वो 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 खत्म हो गया वो अब गाड़ियों का शौक ये सब खत्म हो गया तो अब जो ये पंखुड़ी में गाड़ी लिए मेरे ही दोस्त हाँ, हैं हाँ। उनके बेटे की गाड़ी है वो अठारह साल का हुआ तो उसको बना के दी उन्होंने तो विनीत को तो विनीत से मैंने गाड़ी ली मैंने कहा ये मेरे को दे मैं इसको शूट करता हूँ म्यूजिक की बात पे आते हैं घूम फिर के आपका जो राइटिंग प्रोसेस है तो पर आई वांट टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड योर करते हो हुँ। Logic, हुँ। Ableton, मैं 2003 से, बना रहा हूं, 2003 से मैं okay. चौथा वर्जन आज भी वो चौथा वर्जन यूज करता क्या बात कर रहे हो और उसके 10-12 वर्जन आ गए लेकिन मेरा हाथ ही नहीं बैठता और एफएल पे मैं जितना म्यूजिक है लीड्स है कुछ कॉर्ड्स हैं वो बनाता हूँ बाकी कुछ सैम्पल्स यूज़ करता हूँ लेकिन आ, ड्रम्स मैं खुद ही प्रिपेयर करता हूँ सारे शुरू से लेके आज तक oh. उसमें सैम्पलिंग नहीं करता हूँ कोई लूप नहीं यूज़ करता हूँ ओके okay. और मिक्स मास्टर खुद करता था टेल लुंगी डांस बना सारा खुद मैंने मिक्स मास्टर किया ओह नाइस लुंगी डांस के बाद विनोद वर्मा हमारे भाई हैं बॉम्बे से बहुत अच्छे इंजीनियर हैं बहुत अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने फिर लुंगी डांस के बाद सारा उन्होंने मिक्स करना शुरू करा क्योंकि एक ही स्टूडियो एक ही स्पीकर ही होते हैं सो आपके कान उस पर सेट हो जाए जो आप ड्रम्स की बात कर रहे हो जो कि आज मैंने नोटिस करा एक्चुअली मैं आपका गाना सुन रहा था उसके जो ड्रम्स है ना पहले तो आता है वो ठक दूसरी बार आता है ये एक ग्रूव के लिए करते हो आप किस लिए कर? ये क्योंकि ये मैंने ला अरे ये क्या आइटम था भाई हाँ। मैं सब प्रिपेयर करता हूँ खुद मतलब वन शॉट्स यूज करके मैं स्नेयर्स को लेयर करता हूँ okay. मेरे, मेरे दिमाग में बीट होती है फिर जस्ट आपको अपना राइट वन शॉट ढूंढना होता है अपनी लाइब्रेरी में से कि आपको था, हाँ। था। हाँ। ये चाहिए आपको ये चाहिए तो वो ढूंढते हैं लाइब्रेरी में नहीं मिलता तो बनाना पड़ता है ओके और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट्स वेरी इजी फॉर मी आई एम डूइंग दिस थिंग फ्रॉम पास 70 हां क्योंकि वो ना उसका डायनामिक्स बहुत सही देता है हाँ. यानी कि आपको लगता है कि अभी था हुँ. था एकदम से जो हाँ. आगे जाने वाली फील आती है मतलब यार ये कुछ ना पुश कर रहा है गाने yeah. को मजा आ रहा है yeah. थोड़ा सा और नर्ड आउट करूंगा फेवरेट प्लगइन फेवरेट प्लगइन है मेरा आरसीएल कंप्रेसर ओके जो वेव्स का है वेव्स के प्लगइन्स मेरे फेवरेट हैं हां वेव्स के ही मेरे को डिलेज पसंद हैं वेव्स के ही कंप्रेसर और Uh, उस लड़के नहीं है यहाँ पे लिमिटर uh, मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम भूल गया हूँ मैं एल्टू लिमिटर यूज़ करता हूँ okay. वो भी शायद वेव्स का ही है तो वेव्स आर माय फेवरेट प्लग आई एम यूजिंग सिंस 2005 उससे पहले प्लग की सेंस नहीं थी ओके okay. प्लग okay. क्या होते हैं मिक्स okay. भी नहीं आता था करना टू huh. थाउजेंड से लेके अब तक मैं खुद ही मिक्स कर रहा हूँ गॉट माई फर्स्ट अवार्ड एज अ साउंड इंजीनियर फॉर खड़के ग्लासी इन टू या सो आई जस्ट एटीन और एट दैट टाइम के पास पेटी नहीं होती जिसमें कंबल बड़े हुए उसके ऊपर मेरा कंप्यूटर बढ़ा था मेरे पास कई सालों तक लैपटॉप ही नहीं था अच्छा हाँ मेरे पास सी पी यू था उसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ था वो लेके मैं अलग अलग स्टूडियोज में घूमता था सीरियसली हाँ वो पूरा ले जाते थे वो लगाता था और काम करता था चंडीगढ़ भी जब मैं शिफ्ट हुआ पंजाब में भी तब भी मेरे पास थ्रू आउट तकरीबन चार साल पाँच साल सी पीओ ही रहा क्योंकि लैपटॉप की तब कॉन्फ़िगरेशन बहुत वीक आती थी हा, हा, इतनी हाई नहीं हा, आती हा, थी अब तो एलियन वगैरह मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तेरह से दो हज़ार बारह से यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी डेफिनेशन देफ, बहुत हाई है और कॉन्फ्रिगेशन तो अभी भी वही यूज़ कर रहा हूँ नया वर्जन और ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आई थिंक बहुत एलिमेंट्री है लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया म्यूज़िक सीखना फॉर बींग कंपोजर और प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं मैं जब मोहाली में था तो आपको बात बताऊंगा मैं बड़ा यंग था तो एक बहुत ख़तरनाक से सिंगर आए तो उन्होंने मुझे डी और डोमिनेट करने की कोशिश करी चाहते वो थे मेरा म्यूज़िक अच्छा लेकिन उन्होंने ये दिखाना चाहा कि मुझे तो उससे ज़्यादा म्यूजिक आता है अच्छा तो वो आए उन्होंने एक घंटा बाजा पेटी उठाई और गाते रहे गाते रहे कहते अब बजाओ मैं ये तो मुझे बजाना आता नहीं कहते तो म्यूज़िक कैसे करोगे मैं कहा म्यूज़िक सारा प्रोग्रामिंग है वो सब मुझे आती है मैंने खुद सीखी है और है। देख देख के सीखी है तब कोई ट्यूटोल्स यूट्यूब नहीं होते थे हाँ मैंने कहा मैंने सब देख देख के सीखी है और कर कर के सीखी है तो कहते पेटी नहीं बजानी आती तो क्या म्यूज़िक करोगे मैं कहा पेटी बजाने वाला पाँच हज़ार रुपये में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा हाँ। लेकिन बजाना क्या है उसके लिए आप मुझे दस लाख रुपए दे रहे हो दैट्स ट्रू सो वो पेटी बजाना या म्यूजिक सीखना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि म्यूजिक बनता है प्रोग्रामिंग से और साउंड इंजीनियरिंग से और सेंस से और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस को मैं जानता हूँ जो इतना सीखे हैं लेकिन वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते अच्छा। साज बड़े अच्छे बजा लेते हैं लेकिन वो कुछ नया नहीं बजा सकते वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते और मैं कई ऐसे म्यूजिशियंस को जानता हूँ म्यूजिक प्रोग्रामर्स को जानता हूँ उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा होमी दिल्ली वाला ने जब ही आया था मेरे पास ही वो जस्ट सेवनटीन उसको स्केल नहीं पता था अपने गाने का कि मेरे गाने का स्केल क्या है मैं किस पे गा रहा हूँ अच्छा आज वो मेरे लिए म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है ड्रीम कोलैब आपका फिर कोलैब्स की थोड़ी देर बात करिए ड्रीम कोलैब कि यार ये आर्टिस्ट और इसके लिए म्यूजिक और मैं गा भी दूंगा या फिर म्यूजिक ही लेकिन ड्रीम कोलैब ड्रीम कोलैब यही होगा मेरे को थोड़ा वक्त लगेगा अपने आप को रवा करने में और और फाइन करने में लेकिन ये डेफिनेटली होगा कि मेरे म्यूज़िक पे आने वाले कुछ सालों में रहमान सर गाएँगे और मैं ही लिखूंगा <laughs> और मैं गा तो सकता नहीं उनके Very साथ nice. लेकिन उसके लिए मुझे सबसे बड़े अवार्ड्स मिलेंगे ये होगा एक दिन ज़रूर होगा भाजी uh, अभी ना मैंने एक ट्रेंड देखा है जो कि इट्स अ गुड थिंग आपके आ, का हाँ, मैं प्रनाउंस सही कर रहा हूँ ना हाँ नाम ननकू उनका गाना आया ठीक है ना तो आप एक और कोई गाना था चांद मेरे ख्याल से करुन का था का आया तो आई यू मेकिंग दीज क्या फिल्म क्या बन रही है यार कुछ नहीं देखो अ... अभिनव आचार्य जी मेरे गुरु हैं है। बचपन से उन्होंने ए रहमान सर से लेके सब तक का मुझे म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कराया okay. ओके फिर जब थोड़ी प्रॉब्लम थी घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने मुझे रोहिणी में अपना फ़्लैट दिया मैंने वहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करी दो साल खुद बना बना के बीट्स मैंने बनाई तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया तो ननकू भी इतना सा होता था छोटा सा चार पाँच साल का तो आगे बैठ जाता था वो देखता रहता था तो ये पता नहीं कब म्यूज़िक बनाना सीखा कब नहीं

इंटलेक्चुअल बहुत हैं बहुत जवान है लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है ओके okay, क्विकली uh, भाजी जेन जी की बात कर रहे हैं अपन hmm, है ना yeah. और आजकल ना बहुत टॉप ऑफ द माइंड चीज़ें हैं जेन जी की तो yeah. मैं आपका पर्सपेक्टिव चाहता हूँ इसमें yeah. एक शादी नहीं करनी उनको वट डू थिंक अबाउट इट नहीं अच्छा डिसीजन है वो तो ज़रूरी नहीं है और uh, uh, मुझे ऐसा लगता है कि नया दौर है और जो बदलाव आते हैं तो सोसाइटी को भी वो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये नया दौर है ये नई जनरेशन है ये चाहती है हम जब थे अपने दौर में तो हमने भी बहुत रेबिलियस चीज़ें करी जो घर वाले नहीं चाहते थे hmm. तो अगर नया यूथ का ही डिसीजन है तो आई एम देम घर नहीं खरीदना चाहते ये भी अच्छा थॉट है जरूरी नहीं है और उसका मतलब ये रिफ्लेक्शन दिखाता है कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं हाँ, वो हाँ, नो मैच बनना चाहते हाँ, हैं तो वो अलग अलग जगहों पे जाके सब कुछ सीखना चाहते हैं बंजारे बनना चाहते हैं तो जो ट्रैवल करता है वो डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीखता है एक जगह आप रुक जाते हैं तो सोच रुक जाती है सब कुछ रुक जाता है तो ये भी अच्छा थाट है कि घर नहीं लेना भाई एक जगह नहीं टिकना वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड कार्स नहीं खरीद रहे लाइक अगर आप कार्स की रिपोर्ट देखो ना तो जैसे शादी नहीं करनी घर नहीं खरीदना और कार नहीं खरीदनी भाई साहब यानी कैब ले लेंगे या जो भी है इस पर ये भी है? अच्छी बात है ये भी अच्छी बात है हम लोग मैं लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैंने कई साल अपनी गरीबी छुपाई कि मेरी गरीबी देख के कोई मुझे काम ना दे कि चल यार ये लड़का छोटे घर से है स्ट्रगल कर रहा है इसको काम दे दो मैं कर नहीं मैं क्यों अपनी गरीबी छोड़ा मेरा दोस्त मधुकांत है उसने तीन साल मेरे खाने तीन साल मेरे खाने पीने पहनने का खर्चा उठाया कि तू इंडस्ट्री में है वहां लोग तुझे जज करेंगे कपड़ों से वो बड़े बड़ी गाड़ियों वाले हैं वो बड़े बड़े अच्छे कपड़ों वाले हैं तो तू अच्छा बन के जा और अकड़ में काम ले अपने काम के बलबूते तो मुझे ऐसा लगता है तो फिर हमारे पास जब पैसा आया तो हमने बड़े घर लिए गाड़िया ली फ्लैक्स किया शो ऑफ किया अब शो ऑफ नई ऑडियंस नए बच्चे नहीं करना चाहते ये अच्छी चीज़ है हमारा जो कल्चर था हमने जो चीज़ें देखी क्योंकि आपको जिस चीज़ से रोका जाता है आपका वो करने का मन बहुत करता है hmm. तो आज के बच्चों के पास सब कुछ है माँ बाप के पास बड़े पैसे हैं गाड़ियाँ हैं हर घर में गाड़ियाँ हैं तो वो अगर ये डिसीजन चाहता है, है कैजुअल लाइफ विच इज़ वेरी गुड इफ़ दे गो फॉर इट विच इज़ वेरी गुड विच इज़ वेरी गुड मतलब वो शोशेबाजी में ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है स्वैग फेस्ट पाजी स्वैग फेस्ट अच्छी चीज है पाजी। youth आएगा। youth आएगा हम भी मज़े करेंगे परफॉर्मेंस जब मैं करता हूँ जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मेरा एक अलग रूप होता है अलग एनर्जीज होती हैं और जो लोग सामने होते हैं जिस तरह कूद रहे होते हैं चीख रहे हाँ. होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई होती है एनर्जी तो परफॉर्मेंस करना तो बहुत मजेदार है और डेफिनेटली वी गोना किल इट फॉर श्योर मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं परफॉर्मेंस के बारे में विल जस्ट एक्सपीरियंस इन फेस्ट में जब आप आओगे हेडलाइन करोगे मजा आ जाएगा ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड रैप इट अप अब बहुत लेट हो गया वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको yeah. मेरे भी दोस्त ने ना मुझे जॉर्डन्स पहन आजा है yeah. बोला हनी भाई का इंटरव्यू करने जा रहा है ना <laughs> क्या ऐसे जूते पहन के जाता है एटलीस्ट जॉर्डन आई एम वेरिंग जॉर्डन्स ब्लड लाइन वालों में आपको बोले <laughs> ये वाले पहन के जा थैंक यू भाई थैंक सो मच